सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने प्रॉपर तरीके से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला है। काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हुई थी, काफी ज्यादा मजा आया था, जिसको देख के सभी को मजा आने वाला है। और ऊपर से आज के सारे मैचेस मैं नॉर्मल क्लासिक मोड में खेलने वाला हूँ, इसका मतलब मेरे पास बिल्कुल भी रिकॉल नहीं होगा, जिससे स्क्वाड को डिफीट करना बहुत ज्यादा हार्ड लेवल में जाने वाला है। सो गाइज, लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब यहाँ पर ये स्क्वाड दो गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश कर देता है। जितने देर में वो लोग मेरे ऊपर रश करता, मैं तुरंत चला जाता हूँ कवर में और देखो आगे क्या होता है। ये सारे सबसे पहले तो मुझे नेड मॉली करके नॉक करने की कोशिश करता है। उतने देर में मैं यहाँ पर बूस्ट करके तैयार रहता हूँ इनके रश आने का। अब एक प्लेयर जैसे डाउन हो जाता है, मैं तुरंत कवर में आता हूं, क्योंकि मेरा एचपी लगभग आधा हो चुका था। और उतने में यहां पर और एक प्लेयर डाउन हो जाता है। अब बचे थे दो प्लेयर, अब मामूली सी बात है, वो लोग उनको रिवाइव देने वाला है। उतने में मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा यहां पर बूस्ट करने का। लेकिन तभी पीछे से कोई तो गाड़ी चलाने का साउंड आ रहा था, तो मैं इस कमरे के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे भी देखना था कौन गाड़ी लेके आ रहा था। क्या पता मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाए। बिल्कुल सही सोचा, उस साइड में किसी और का फाइट चल रहा है। यहाँ पर एक बंदा नीचे था, इसको मैंने डाउन फिनिश कर दिया। अभी फिलहाल ऊपर एक बंदा है। वो भी हिलाप कर रहा है, मैं भी हिलाप कर रहा हूं। अब 1v1 होने वाला है। और इसी के साथ फाइनली ये उसका डे पे खत्म हो जाता है। तो मैं अपना यहाँ पर यूनिक मोड मारता हूँ, जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मैं अकेला खेल रहा था, इसीलिए तीन बंदे का रस मेरे ऊपर एक साथ आ जाता है। इनके आखिरी बंदा मिलता तो नहीं है, इसी बात पे यहाँ पर एक गिमोट मार देता हूँ, शायद से वो आखिरी बंदा आ जाए, लेकिन वो आता नहीं है। यहाँ पर मैं स्क्वाड हाउस के साइड से गुजर ही रहा था, तभी पीछे से एक स्क्वाड का रस आ जाता है मेरे ऊपर। और देखो ये सारे बंदे फुल शॉट गन चला रहे थे। लेफ्ट साइड से भी कोई गोली चल रहा था, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर दिया। अब मुझे पता नहीं है वो लेफ्ट साइड वाला बंदा कहाँ पे है, शायद मुझे आगे एक गाड़ी दिखा वहीं पे होने वाला है। सबसे पहले तो ये लॉन्ग रेंज वाले बंदे को डाउन करना जरूरी था, तो मैंने इसको तुरंत डाउन किया।
फ्रीज भी कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। ये बंदा जिस तरीके से शॉटगन चला रहा था, इसको घुमाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्लच हो चुका है। कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना कमेंट पर। अब यहाँ पर मैं पोचिंग पे लूट कर ही रहा था, तभी आगे से फुल स्क्वाड गाड़ी लेके निकलने का तैयारी करता है, लेकिन मैं इनको डराने के लिए क्या करता हूँ, बस देखते जाओ। अब तू गया बेटा। एक तीर से दो निशाना, इसी को बोलते हैं। खैर मैं इनको पेटी लूटने जाता ही हूँ, लेकिन तभी मेरे ऊपर देखो क्या होता है। खेलेगा फ्री फायर? नहीं, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था यहाँ पर ये लोग रिवाइव दे रहे हैं। तभी एक बंदा गाड़ी लेके घूमता रहता है यहाँ पर, मुझे लगता है ये बंदा उसी टीम का कोई टीममेट होगा। फिलहाल मैं इस स्क्वाड हाउस से निकलने की तैयारी कर ही रहा था, तभी मेरे ऊपर एक गाड़ी का रस आ जाता है। सबसे पहले तो इन लोगों ने मेरे हेलमेट को फुल खा लिया था, और ऊपर से मेरे हेल्थ को भी काफी ज्यादा डाउन कर दिया था। अब बारी था कैसे भी करके इनका रस रोकना मेरे ऊपर। तो सबसे पहले मैं कवर में जाता हूँ ऊपर। यहाँ पर एक बंदा जल्दी से करके मुझे डाउन करने की कोशिश कर ही रहा था, तो मैं उसको नॉक फिनिश डाल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ इनको नेट मॉली करके डाउन करने का, बट उतने में एक बंदा जैसे मेरे ऊपर नेट करने आता है, मैं उसको डाउन कर देता हूँ। अब बारी था अकेला एक बंदा उसके ऊपर रस करता है। ओ भाई ये तो डीपीएस चला रहा है।
और इसी के साथ ये स्क्वाड भी यहीं पे क्लच हो जाता है और एक इमोट तो बनता है भाई। कैसा लग रहा है जरूर से बताओ मुझे कमेंट पर। और हाँ, ऐसे मजेदार क्लचेस के लिए भाई 100 लाइक कंप्लीट कर दे इस वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं पोचिंग से गुजर ही रहा था और ये सारे बंदे यहाँ पर फाइट ले रहे, तो मैं तो मजे लेने के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी करने आ जाता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर दो स्क्वाड का फाइट चल रहा था, अब पता नहीं कितने बंदे हैं, तो मैंने फिलहाल यहाँ पर आते ही आते टोटल 3 बंदे को डाउन किया है। अब उनमें से एक दो बंदा शायद से रिवाइव भी हो गया होगा, तो मैं सबसे पहले नेट करके चेक करता हूँ बंदा है कि नहीं है। अब यहाँ पर मैं जस्ट इसी स्क्वाड के साइड में जा ही रहा था और बंदे बग्गी लेके मेरे पीछे आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये आया है तो मतलब इसका भी टीममेट आएगा, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ। और हाँ, इसका पूरा फुल स्क्वाड आ चुका था मेरे पास और फिलहाल उन्हीं लोगों को क्लच करना था। एक टीममेट तो अपने टीममेट को स्मोक कर रहा था, तो उतने में मैं अपने नॉक वाले बंदे का किल ले लेता हूँ। अब बारी था बाकी 3 बंदे का रस संभालना। ये सारे बंदे थोड़ा सा कैंपर टाइप बंदे लग रहे थे, तो मैं भी इनको परेश नहीं कर रहा था, मैं अपना कवर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा रहा था। मुझे कहीं डर लग रहा था ये लोग अपना गाड़ी लेके भागना चाहे, तो मैं अपना गाड़ी फोड़ देता हूँ। और इसको बोलते हैं एक तीर से 3 निशाना, और इसी के बाद एक इमोट तो बनता है। फिलहाल आखिरी सर्कल चल रहा था, मैं माउंटेन पे आया था बंदे ढूंढने, और देखो
अब आखिरी सर्कल में टोटल चार बंदे बचे हुए थे, तो मुझे उन चार बंदे को मार के चिकन डिनर लेना था। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा डाउन हो जाता है। अब मैं बाकी तीन बंदे को ढूंढने लगता हूँ, तो मुझे ओपन में यहीं पे तीन बंदा मिल जाता है। तो इनको देखो किस तरीके से मैं फिनिश करता हूँ। सो गाइस, यही तक था आज के वीडियो के लिए। कैसा लगा सारे क्लचेस मुझे जरूर से बताना कमेंट पर। और हाँ, ऐसे ही मजेदार क्लचेस देखने के लिए मुझे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन पे ठोक दो। हम लोगों को काफ़ी जल्दी 100 के कंप्लीट करना है। और हाँ गाइस, इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाता है तो मैं अगला चैलेंज करने वाला हूँ ओनली शॉटगन क्लचेस का। सो जिसको भी देखना है प्लीज़ गिव अ लाइक। सो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो पे।